आज बच्चों हम रुचिरा बुक से भाग 3 यानी कि कक्षा 8वीं का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सुभाषी तानी। सु मीन्स अच्छा और भाष मीन्स कहना। सुभाषी तानी यानी कि अच्छी बातें कहना। सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बना है सुभाषी तानी। तानी का मतलब बहुत सारी अच्छी बातें, समझ में आ गया होगा, मधुर तथा सुंदर बातें। और ये जितने भी श्लोक लिए गए हैं ये आपको मैं ये बता दूं, आपके बुक में गिवन है कि प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यानी कि इन सब में से एक एक श्लोक को चुनकर लिया गया है। फर्स्ट श्लोक है हमारा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमा साध्य भवन्ति इति प्या आप्यः। यानी कि कह रहे हैं गुणा गुणज्ञेषु गुणी गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति गुणी होते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति गुणी व्यक्ति गुणवान व्यक्तियों में गुणी होते हैं। यानी कि गुणवान व्यक्ति ही गुणी लोगों को समझ सकता है। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण को प्राप्त करके दोषः भवन्ति दोषी हो जाते हैं। यानी कि अगर गुणी व्यक्ति भी निर्गुण व्यक्ति के साथ बैठ जाए जिसमें कोई किसी भी प्रकार का गुण नहीं है वो भी दोषी हो जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि संगति का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छी में रहेंगे, और अगर आपकी संगति बुरी हो गई तो गुणी व्यक्ति भी बहुत जल्दी दोषी माना जाता है। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, नदियाँ उत्पन्न होती हैं। सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल लेकर, जब यानी कि झरने से नदियाँ निकलती हैं, गंगा से नदी निकलती है, हिमालय से सॉरी, तब ये स्वादिष्ट जल लेकर उत्पन्न होती हैं। समुद्र मासाद्य भवन्ति अप्या, समुद्रों में मिलकर, समुद्रम आसाद्य समुद्रों में पहुंचकर, भवन्ति अप्या ये भी ना पीने योग्य हो जाती हैं। यानी कि जब ये समुद्रों में जाकर मिलती हैं तब ये भी इनका जल भी पीने योग्य नहीं रहता, इनका जल खारा हो जाता है। तो वैसे ही गुणी व्यक्ति भी जब निर्गुण व्यक्ति के बीच में बैठता उठता है तो वो भी उसमें भी वे दोष आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादान अपि जीव माना तदभागदेयम परम पशु नाम। कह रहे साहित्य संगीत कला से विहीन, पूंछ और सींगों से रहित वह साक्षात पशु के समान है। एक बार फिर से देखते हैं, जो व्यक्ति यानी कि साहित्य संगीत और कला से रहित, पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु के समान है। यानी कि जिसमें साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई विद्या नहीं है। तृणम ना खा धान्य भी जीवमान है, घास ना खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद भागदेयम परमम पशुनाम, ऐसा पशुओं का भाग्य है, ये तो पशुओं का सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास नहीं खा रहा। आपने देखा होगा कभी कभी कोई मूर्ख व्यक्ति होता है, या कोई हम कहें तो पागल व्यक्ति होता है, जिसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, तो लोग अगर किसी के घर में है तो वो उसे छोड़ देते हैं और वो पागलों की तरह बाहर पशुओं के समान विचरण करते हैं। तो जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला आदि में रुचि नहीं रखता वे पशु के समान जीवन व्यतीत करता है। बस ये है कि पृथ्वी पर रह तो रहा है
पर वो घास नहीं खा रहा, यह तो पशुओं के लिए श्रेष्ठ है, परम सौभाग्य है पशुओं का। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियसे कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। क्या कह रहे हैं, लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी की कीर्ति, यशः मतलब कीर्ति, लोभी व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम यानी कि जो व्यक्ति कार्य करना नहीं जानता, जो व्यक्ति आलसी है, जो व्यक्ति निकम्मा है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म और कुलम अर्थ परस्य धर्म और स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है और बुरी आदत में लगने से विद्या का फल, विद्या की जो प्राप्ति की हुई होती है वह समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम और कंजूस व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य और राज्यम प्रमत सचिवस्य, प्रमत मतलब आलसी, सचिवस्य मंत्री, राज्य का मंत्री यदि आलसी हो तो राजा का, नराधिपस्य तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या देखना है, एक तो हमें लोभी नहीं बनना, चुगलखोरी नहीं करनी, चुगल एक दूसरे की चुगली नहीं करनी, आलसी नहीं बनना, क्योंकि आलस करने से हमारे कुल का नष्ट, हमारा कुल नष्ट हो जाता है। स्वार्थी नहीं बनना, हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। हमें बुरी आदतों में नहीं लगना, जो हमारी विद्या की, हमने जो विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है वो सब नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास पैसा भी है लेकिन हम कंजूसी से यूज़ कर रहे हैं, तो हमने कैसा सुख प्राप्त किया, तो यानी कि कंजूस व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। राज्यम प्रमत सचिवस्य, इसी प्रकार आलसी मंत्री हो यदि राज्य का, तो राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं, बड़े ही अच्छे श्लोक हैं ये। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनन्येनम अधुमक्षिकासौ संतस्तै तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। कह रहे हैं यहाँ से देखिए, मधुमक्षिका असौ, असौ मधुमक्षिका, ये मधुमक्खी तो कटुकम मधुरम पीतवा रसम, कड़वा और मधुर रस दोनों, यानी कि दोनों प्रकार के रस को पीकर, पीतवा मीन्स पीकर, कटुक मतलब कड़वा और मधुर समान रूप से पीकर भी माधुर्यम एव जनन्यम, यानी कि मधुरता का ही निर्माण करती है। संत है तथैव सम सज्जन दुर्जननाम, संत है इसी प्रकार सज्जन लोग सज्जन और दुर्जनों की समान बातें श्रुत्वा सुनकर वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ती, मधुर यानी कि मीठी सूक्ति, सूक्ति के रसों का सृजन्ती निर्माण करते हैं, यानी कि उन्हें चाहे कोई बुरा कहे चाहे कोई अच्छा कहे वो एक समान रहते हैं और फिर भी अच्छी बातें ही बताते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी, देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया है कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी कड़वा रस भी पीती है और मीठा रस भी पीती है, परंतु कैसा रस उत्पन्न करती है, मीठा रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी सज्जन और दुर्जनों की बातें सुनकर मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। शायद यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। अगला देखते हैं, यहाँ देखते हैं, विहायम पुरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा।
कह रहा है विहाय पुरुषम यो ही मीन्स निश्चय ही, यो मीन्स जो, जो व्यक्ति निश्चय ही पुरुषम पुरुषार्थ को यानी कि मेहनत को विहाय में छोड़कर, यहाँ पे लेप प्रत्यय बताया गया है, वी धातु से वी उपसर्ग है, हा धातु है और यानी कि लेप प्रत्यय है, तो निश्चय ही जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर देवम देवम एव अवलंबते भाग्य का सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसः, महल के द्वार पर सिंहवत शेर की तरह उसके मूर्धन सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं वायसः कोए, यानी कि जो आपने देखा होगा महल के द्वार पर दो शेर बने हुए होते हैं उसके सिर पर कोए बैठते हैं यानी कि वे लोग दिखावा करते हैं, इसलिए हमें कभी भी मेहनत करनी परिश्रम करना नहीं छोड़ना, हालांकि परिश्रम और भाग्य का अलग अलग महत्व है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या करना है पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वे लोग यानी कि अर्थात महल के द्वार पर सिंहवत शेर की तरह उसके सिर पर कोए बैठते हैं, पुष्प पत्र फलक छाया मूल वलकल दारु भी धन्य मही रूहा ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिन, कह रहा है देखिए बड़ा ही अच्छा श्लोक है, ये भी परोपकार के ऊपर है, पुष्प पुष्प मतलब फूल पत्ते फल छाया जड़, वलकल मीन्स जड़ और वलकल का मीनिंग दे रखा होगा यहाँ पे भी पेड़ की छाल, यस वलकल पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा, धन्य मही रूहा धन्य है ये पेड़ ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिन, जिनसे विमुख होकर यानी कि जिनसे निराश नहीं होते मुसाफिर लोग, जिनसे निराश नहीं होते, क्योंकि ये सब चीज़ें एक पेड़ के द्वारा जब दी जा रही हैं तो हम मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए, चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहिना गृहे, चिंतनिया ही विपदाम यानी कि विपत्तियों से निश्चय ही विपत्तियों के आने से पहले ही सोच लेना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे, घर में आग लग जाने पर कुआ खोदना युक्ति संगत नहीं है, यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आ गई तो हमें पहले से ही अपनी बातें सोच कर रखनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हमें किस तरह से उसका सामना करना है, जैसे इस समय लॉकडाउन हो चुका है काफ़ी सारे बिजनेसमैन घर बैठे हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, और हमें अपनी इनकम का यानी कि 60% हमें खर्च करना चाहिए और 40% एटलीस्ट हमें सेविंग करना चाहिए, तो हमें विपत्तियों के आने से पहले ही सोच विचार कर लेना चाहिए, ना कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गए होंगे, इसकी एक्सरसाइज लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगी, तो एक बारी इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, आइए देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग, आप भी मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। गुणज्ञेषु गुणियों में सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल प्रभवंती निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, भवंत्य पेहा पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीन है सींग के बिना खादान अपी खाते हुए भी, जीवमान है जिंदा रहता हुआ पिशुनस्य चुगलखोर, व्यसनी ने बुरी लत वालों की यानी कि यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं बुरी आदत वालों की, नर अधिपस्य राजा का या राजा की जनेत मधुमक्षी का असौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है, संत तथैव यानी कि संत तथा जमा एव
इसका संधि विच्छेद भी देखो यहाँ साथ साथ दिया हुआ है, वैसे ही सज्जन सृजंती निर्माण करते हैं, वायसाह कोए, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महीरुहा वृक्ष, कूप खननम कुआं खोदना, वहीना अग्नि। तो बच्चों ये एक चैप्टर आपका आज मैंने करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों को भी इसकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, हरिओम।